हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायरेट ऑफ किचन मोनिका और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा केक जो कि बनेगा लौकी और आमंड से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बोल और उसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी, डालेंगे एक कप मैदा और उसे अच्छे से छान लेंगे। फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ताकि हमारा केक बहुत ही फ्लफी और लाइट बने। हम ये अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे 1/3 कप कनोला ऑयल, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/3 कप लो फैट मिल्क और अब अच्छे से अपने मिक्सचर को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए। देखिए कितना अच्छा हमारा मिक्सचर हो गया है। अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मेपल सिरप, आप चाहें तो हनी डाल सकते हैं या शुगर सिरप भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून मिल्क मेड, 1/2 कप लौकी, ये मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है, और अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी, और अब हम अपने चॉप किए हुए बादाम इसमें डालेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। अब हम अपने सिलिकन मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं बटर की जगह। मेरे पास ये बचे हुए दिवाली के मोतीचूर लड्डू हैं जिनका मैं बहुत अच्छे से बेस बना लूँगी, एक जो हमारे केक को बहुत खूबसूरत कलर देगा। ये देखिए, अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, इसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि केक राइज हो। अब थोड़े से बादाम इसमें डालेंगे और हम इसे बेक करेंगे। आपको 35 से 40 मिनट तक इसको बेक करना है। ये देखिए 40 मिनट बाद हमारा केक बिल्कुल तैयार है। एक प्लेट रखेंगे और केक को फ्लिप कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब एक वायर रैक पे रख के 3 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट लेंगे और उसमें मिल्क डालेंगे। ये हमारा चॉकलेट सॉस तैयार है। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा मोतीचूर लड्डू और इसकी जल्दी से एक प्लेटिंग कर देंगे। अपने केक को सेंटर में रखेंगे इसके। ये हमारा लौकी और बादाम का केक तैयार है। ऐसे ही हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप सब्सक्राइब करें और विजिट करें pirateofkitchen.com। टाटा।